किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी मम्मी को इस घर से बाहर निकाले, मेरे बाप में भी नहीं। इसको लगाना तो दूर, ये नेम प्लेट हमारे घर की दीवार को छुएगी तक नहीं। बापूजरा, तूने वो एफिडेविट बनवाया था ना, तूने उस पर सही की थी? मैंने वो है तेरे पास, दिखा ना। वो एफिडेविट बापूजरा के पास है, लेकिन तब ये मरा हुआ था, अब जिंदा है। और उस एफिडेविट की कोई वैल्यू है भी कि नहीं, ये भी बापूजरा को पता नहीं। सब कुछ समझ के बाहर है बापूजरा के, पता नहीं इधर किसके नाम की नेम प्लेट लगनी चाहिए। ना तुम्हारा नाम, ना मेरा नाम। मैं इस घर का मालिक हूं, यह हक जताकर किसी को बेघर करने नहीं आया हूं। हम दोनों के झगड़ों में बच्चों के साथ नाइंसाफी करूंगा, इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। हम दोनों तो तू मैं करते रहेंगे इस नेम प्लेट को लेकर। इसके बदले मैंने सोचा क्यों ना ये घर राशि के नाम पे कर दिया जाए। बेटी है मेरी, सबसे छोटी है, सबसे प्यारी भी है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी भी तो उसी के साथ हुई है। तो उस नाइंसाफी की भरपाई तू ऐसे करेगा? शुरुआत तो कर सकता हूँ ना, पर जिस इनसिक्योरिटी में ये पली है, इसके बदले हमेशा के लिए उसको सिक्योरिटी, हमेशा के लिए सच देना चाहता हूँ। गिफ्ट समझो तो गिफ्ट, और माफी समझो तो माफी। पापा, ये मेरी मम्मी का घर है। इतने सालों की कड़ी मेहनत और बचत से ये घर बनाया है और सजाया है। नाइंसाफी अगर किसी के साथ हुई है तो वो मेरी मम्मी के साथ हुई है। जिंदगी भर हम सब ने देखे उसके स्ट्रगल, उसके आंसू, उसके दुख। इस घर पे उसके नाम के सिवा किसी और का नाम होना सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो इस घर को और मम्मी को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। ना मम्मी यहां से कहीं जाएगी और ना ही उसके नाम की नेम प्लेट।
गिफ्ट कहिए तो गिफ्ट, माफी कहिए तो माफी, सही मायने में यही होगी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर, आई रिस्पेक्ट योर इमोशन। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। क्या? अरे लेकिन क्यों? अरे तो उसकी बीवी को बुलाओ ना, बापोद्रा का क्या काम है उसमें? देख देखो डॉक्टर, ये बापोद्रा है ना, इस तरह बिजी आदमी है, इस तरह बैठा नहीं है, ये घड़ी घड़ी हॉस्पिटल आएगा। हाँ कमाल मुसीबत है, रमेश बोल रहा है कि बापोद्रा को बुलाओ, जरूरी बात करनी है। बापोद्रा उसके बाप का नौकर है कि घड़ी घड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा? बात करनी है तो करना नीलिमा से। अरे पर उसको तो याद भी नहीं है कि नीलिमा उसकी पत्नी है, उसे तो ये तक याद नहीं है कि उसकी शादी हुई है कि नहीं। सगवड़ी उबद हुई, ऐसी बात कर रहे हैं आप, वो अपनी यादाश्त भूल गया है बेचारा। सुनिए कुछ जरूरी बात होगी ना, अब देखिए किसी की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। तो सारे पुण्य बापोद्रा ही कमाएगा, बापोद्रा की मदद करके किसी को पुण्य कमाना ही नहीं है। एक बार चाहिए ना, चाहिए, लास्ट टाइम बोल देता है बापोद्रा, लास्ट टाइम। सुशी ये प्रार्थना क्यों आजकल ऐसे चुप चुप सी बैठी रहती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सच कहूं तो पहले जब मैंने सुना ना, मैं खुद भी शॉक्ड हो गया था, ऐसे आई लव यू चिराग फुल इंटेंसिटी के साथ। तू मुझसे प्यार नहीं करता? ऑफ कोर्स करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, पर एज अ वेल विशर, एज अ बेस्ट फ्रेंड। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा सब ठीक है। तो फिर ऐसी रोनी सी सूरत बना के क्यों बैठी है गुड़िया, हैं? किसने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं बस ऐसे सोच रही थी मैं। क्या? अगर ये रिश्ता तय हो जाएगा तो इतनी दूर लंदन जाना पड़ेगा मुझे, आप दोनों के बगैर मैं कैसे रहूंगी अकेले। अरे रे रे रे, इसलिए उदास है बापोद्रा की गुड़िया है? अरे बेटा शादी के बाद तो सब लड़की को बाप का घर छोड़ना ही पड़ता है ना, है? लेकिन शुरू शुरू में दुख होता है, एक बार संसार शुरू हो जाता है ना तो फिर मजा आता है। और लंदन किधर दूर है, हम लोग पास निकाल लेंगे, है सुशी? फिर बापोद्रा वो लंदन के बिग बेन के सामने से ठुमकड़ा लगाएगा, लंदन ठुमकड़ा। पापा आप बात कर लीजिए, मैं जैसे मिलने के लिए तैयार हूं। अरे रो मत बेटा, तू रोएगी तो बापोद्रा भी इमोशनल हो जाएगा। एक बार जैसे मिल ले, हैं? तुझे पसंद आएगा तो ही आगे बात करेंगे, अभी शांति जा बेटा। और जैसे मिलने के बाद हमको मत भूल जाना। हैं? कभी नहीं। सैम हम केजी से साथ में और अच्छे दोस्त हैं। मैं तुमसे कुछ पर्सनल शेयर करूं जो मैं सिर्फ तुझसे और मेघना से शेयर कर सकती हूं? या व्हाई नॉट प्लीज। राशि बोलो। जैसे सब सोचते उतने बुरे नहीं है पापा, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि पापा सच्चे दिल से अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो देख चुकी है और राशि जो देख रही है,
उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए राशि को आपकी बात गलत और दिलीप जी की बात सही लग रही है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल मैटर जिसे बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा। किसी झूठ को अगर हम 100 बार जोर जोर से बाजार में बोले तो लोगों को वो झूठ भी सच लगने लगता है। यहाँ तो राशि इतने सालों से अपने पिता के प्यार के लिए तरसती आई है, तो आज जब दिलीप जी उसके सामने खड़े हैं इतने सालों बाद, तो बट नेचुरली राशि का मन उनकी बुराइयों को नजरअंदाज करना ही चाहेगा। इसी बात का तो डर है सर। पहले भी जब मनीष भाई के घर रहने जाती थी तो उनसे इतना प्रभावित हो जाती थी। वो तो एक बार को मान ली, पर दिलीप अगर वो उससे प्रभावित होने लगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर। राशि के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो भूल जाने। वो बता तुझे क्या करना है, माफ करेगी तू उन्हें? वही तो डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। एक तरफ मम्मी की लाइफ टाइम सैक्रिफाइसेस और एक तरफ पापा जी ने मैंने लाइफ टाइम क्रेव किया, और स्पेशली वो वैसे बिल्कुल नहीं लग रहे जैसे मम्मी और अश्विन भाई का मानना है। वो एक्चुअली अच्छे हैं यार। अगर तुझे लगता है कि वो अच्छे हैं और तुम सबकी सुलह हो गई तो तेरी पूरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी राशि। सुलह मेरे कहने से थोड़ी होगी, हम छोटों की चलती का है घर में। सब कितना कंफ्यूजिंग है पूछ मत। क्या बोल रहा है तू सच्ची? अबे मैं खुद हैरान हो गया था, वो आई और सीधा आई लव यू बोल दिया, वो भी सबके सामने। तो तूने क्या कहा? पहले तो मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन फिर पता चला वो सीरियस थी यार। मेरी हवा टाइट हो गई थी। पन्नू अपनी दोस्त है, ऐसे आई लव यू टाइप्स कभी सोचा नहीं मैंने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।